हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियाज़ कुकिंग किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी आम की लौजी। ये सभी को बहुत पसंद आती है, अक्सर हम घर में गर्मियों में बनाते रहते हैं। ये थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी चटपटी होती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं, जिसे हमने छील के इस तरह से स्लाइसेस में काट लिए हैं। हमने थोड़े बड़े बड़े स्लाइसेस में काटे हैं, थोड़े छोटे स्लाइसेस में काटे हैं। इसकी गुठलियाँ थोड़ा मोटा हो गया था तो इसे काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए हमने थोड़े बड़े बड़े काटे हैं। आप इसे अपने अनुसार काट सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 चम्मच तेल डाला है कढ़ाही में, 4 लाल मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, आधी छोटी चम्मच हमने हींग डाला है। अब फ्लेम को हमने लो कर दिया है ताकि हमारे मसाले जले ना। 1 चम्मच हमने सौंफ डाला है। अगर आप ज़्यादा सौंफ खाते हैं तो आप 2 चम्मच सौंफ डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हमने सरसों डाला है, आधी छोटी चम्मच मेथी, आधी छोटी चम्मच कलौंजी यानी मंगरेला और आधी छोटी चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अब मसाले को हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब मसालों का कलर चेंज हो गया है, पक गए हैं मसाले। तो अब इसमें हम कटे हुए आम को डालेंगे। तो इसे हम 2 से 3 मिनट मसालों के साथ फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में मसालों की अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी हमारे आम के ऊपर। तो हमने जीरा डालना भूल गए थे, तो आधी छोटी चम्मच हमने अभी जीरा डाला है। आप मसालों के साथ ही जीरा डालें। तो अब इसे थोड़ा देर तक हम भूनेंगे क्योंकि अभी जीरा हमने अभी अभी डाला है। तो अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 2 कप पानी और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आता है और ये थोड़ा सा कम तीखी होती है। साथ ही 1 चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच काला नमक। अब इसमें हमने 1/2 किलो गुड़ लिया है तो हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो गुड़ हम थोड़ा सा बचा लेंगे, अगर ज़रूरत होगा तो फिर हम गुड़ डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अब इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो अब इसे खोल के हम एक बार चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सारा गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है अच्छे से। तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है, जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। तो अब इसे हम ढक देंगे, ढक के थोड़ा देर और पकने देंगे। तो ढक के हमने 2 से 3 मिनट और पका लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा और खट्टी है, तो इसमें हम थोड़ा सा गुड़ और ऐड करेंगे। ये थोड़ा मीठी ही अच्छी लगती है। कोई कोई अमियाँ थोड़ा खट्टी होती है, कोई कोई थोड़ा मीठी होती है, तो आप चख कर ही गुड़ डालें। हमने 1 किलो आम में 1/2 किलो गुड़ डाला है, तो आप चखने के बाद ही गुड़ डालें। अब इसको हम चेक करेंगे। तो अब हम चेक करके देखेंगे, ये देख सकते हैं आम हमारा अच्छे से पक गया है। इसकी गुठलियाँ थोड़ा मोटी हैं इसलिए ये कट नहीं रही है। अब इसको हम हल्का सा मैश कर लेंगे। अब गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट तक मैश करते हुए इसे हम पकाएंगे। तो धीरे धीरे ये देख सक रहे हैं इसका कलर एकदम चेंज हो गया है, ये मैश हो रहा है धीरे धीरे, एकदम गाढ़ी हो गई हमारी चटनी। अब बन के रेडी है। अब देख सकते हैं आप मैश होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है, एकदम डिलीशियस हमारी चटनी बनी है। एक बार हम और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी गाढ़ी चटनी हमारी बनी है, एकदम बढ़िया। तो इसको आप 15 दिन तक लगभग फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आती है, ये रोटी के साथ, चपाती के साथ, जैसे चाहें वैसे आप खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। तो अगर इसी प्रोसेस से आप बनाएंगे तो आपकी चटनी एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।